आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। नेशनल ऑयलसीड प्रोसेसर्स एसोसिएशन यानी नोबा के अनुसार अमेरिका में दिसंबर के महीने में सोयाबीन की पेराई में जोरदार तेजी देखने को मिली है। दिसंबर 2021 में अमेरिकी सोयाबीन की पेराई अब तक के उच्चतम स्तर 186.438 मिलियन बुशल यानी लगभग 5.073 मिलियन मेट्रिक टन दर्ज की गई, जो कि नवंबर के मुकाबले 3.9% और वार्षिक आधार पर 1.8% ज्यादा रही। दक्षिण अमेरिका में सूखे के बीच सोयाबीन की वैश्विक आपूर्ति को लेकर चिंता बढ़ने के कारण अमेरिकी सोयाबीन की रिकॉर्ड पेराई से अमेरिकी सोयाबीन की कीमतों को समर्थन मिलने की संभावना है। अमेरिका में सोयाबीन की पेराई में जोरदार बढ़ोतरी तब देखने को मिली है जब सोयाबीन तेल की डिमांड खाद्य तेल उद्योग और बायोफ्यूल सेक्टर दोनों से जोरदार देखने को मिली है। जानकारों का कहना है कि दक्षिण अमेरिका में लंबे समय तक सूखे से उत्पन्न आपूर्ति संबंधी चिंताओं के बीच आने वाले महीनों में पेराई गतिविधियां अधिक ही रहने की उम्मीद है। कृषि के बड़े उद्योगों ने ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालातों को देखते हुए फसल वर्ष 2021-22 सितंबर अगस्त में अपने उत्पादन अनुमान में कटौती की है। ब्राजील के लिए औसत उत्पादन अनुमान अब 133 मिलियन टन का है, जो पिछले अनुमान से 10 मिलियन टन कम है। इसी तरह अर्जेंटीना से सोयाबीन उत्पादन का अनुमान 43 से 45 मिलियन टन के बीच का है, जबकि शुरुआती सीजन में 50 मिलियन टन से अधिक ही उम्मीद थी। आपको बता दें कि साल 2020-21 में वैश्विक सोयाबीन आपूर्ति में ब्राजील और अर्जेंटीना की हिस्सेदारी लगभग आधी रही थी। अगर ब्राजील और अर्जेंटीना में सोयाबीन के उत्पादन में गड़बड़ होती है तो उसका असर वैश्विक सोयाबीन आपूर्ति पर दिखाई देता है। नोपा के अनुसार 31 दिसंबर 2021 तक अमेरिका में सोयाबीन तेल का स्टॉक बढ़कर लगभग 2.031 बिलियन LBS रहा, जो एक महीने पहले 1.832 बिलियन LBS था और वार्षिक आधार पर 19.6% बढ़ा है। वहीं चीन के सोयाबीन के आयात में गिरावट देखने को मिली है। चीन में 2021 में 2020 के मुकाबले सोयाबीन के आयात में गिरावट देखी गई है। चीन के पशुधन क्षेत्र से सोयाबीन की डिमांड में कमी देखने को मिली है, जिससे 2021 में चीन का सोयाबीन का आयात घटा है। चीन, जो कि विश्व में सबसे बड़ा सोयाबीन का खरीदार है, ने 2021 में लगभग 96.52 मिलियन टन तिलहनों का आयात किया, जो कि 2020 के 100.33 मिलियन टन के मुकाबले 3.8% कम है। दिसंबर 2021 में चीन ने 8.87 मिलियन टन सोयाबीन का आयात किया था, जो कि नवंबर 2021 में किए गए सोयाबीन के आयात 8.57 मिलियन टन से 3.5% अधिक है। जानकारों के अनुसार वर्तमान में ब्राजील और अर्जेंटीना में सूखे के हालात हैं, जिससे सोयाबीन का उत्पादन का अनुमान कम किया गया है। वैश्विक सोयाबीन की आपूर्ति में ब्राजील और अर्जेंटीना की हिस्सेदारी काफ़ी महत्वपूर्ण है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार आने वाले कुछ दिनों में ब्राजील और अर्जेंटीना में बारिश हो सकती है, जिससे सोयाबीन की फसल को कुछ सहारा मिल सकता है। जानकारों के अनुसार अब आगे बारिश ही तय करेगी कि सोयाबीन में आगे तेजी रहेगी या फिर मंदी। सबकी नज़रें अभी ब्राज़ील और अर्जेंटीना में होने वाली बारिश पर टिकी हुई हैं। अगर बारिश अच्छी हुई तो उत्पादन बढ़ेगा, अगर कम हुई तो घटेगा। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। आपके स्टोर से सामान ग्राहक तक झटपट पहुंचाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।